पुरानी जीन्स हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं इस तरीके से पुरानी जीन्स इसमें यूज कर रही हूँ। तो यहाँ से हम लेग वाले पोर्शन की तरफ से कपड़ा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा चौड़ा होता है, तो हम इस तरफ से यहाँ से बैक के लिए, फ्रंट और बैक के लिए निकालेंगे। तो एक तरफ से फ्रंट के लिए, एक तरफ से बैक के लिए। सबसे पहले हम इसे यहाँ से कट करके अलग कर लेते हैं। मैंने कट करके अलग कर लिया। अब यहाँ से हम लंबाई ले लेते हैं, तो मैं 11 इंच पे इस पे कट कर लूंगी। तो 11 इंच पे से कट करके अलग कर लीजिए। यहाँ से जो थोड़ा ज्यादा टेढ़ा है, इसे हल्की सी शेप दे दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। तो एक कट हो गया, एक ब्लैक पोर्शन में से हमारा ये कट हो गया। इसे हम उस पे रख के दूसरी तरफ से भी कट कर लेते हैं। साइड से एज अलग कर लीजिए, जो रफ वाला है। इस तरीके से तो एक हो गया हमारे लिए फ्रंट के लिए। अब हम दूसरे यहां से कट कर लेते हैं। मैंने कट कर लिया, ये जो हमारे पास बन गया, इसमें से हम बाद में फ्लावर्स बनाएंगे। इस तरीके से इसे भी साइड से कट करके अलग कर लिया। तरीके से एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए सेम साइज के टू पीस लाइनिंग के कट कर लीजिए। ये देखिए, ये जो हमारा फ्रंट और बैक था, सेम साइज के मैंने टू पीस लाइनिंग के कट कर लिए। लाइनिंग के लिए आप कोई भी कॉटन का नॉर्मल फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो सेम साइज टू पीसेस लाइनिंग हो गए, टू पीसेस मेन फैब्रिक, टू पीसेस लाइनिंग। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लगाने के लिए हमें जिप चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने इस साइज की जिप ले ली है। तो पहले हम जिप को ही अटैच कर लेते हैं। तो एक पीस लाइनिंग का लेना है, सबसे नीचे ये रखा, इस तरीके से जिप लेनी है। जिप को रखना है सीधी तरफ, अंदर की तरफ रखनी है आपको, इस तरीके से। ये सीधी तरफ अंदर की तरफ है, ये रखा इस तरीके से। और इसके ऊपर रखना है आपको लाइनिंग वाला पीस, इस तरीके से। तीनों पीसेस रखते हुए ऐसे रखने हैं। यहां से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस पे सिलाई लगा दी। अब इसे सीधा करना है इस तरीके से। तो देखिए, जिप हमारी इंसर्ट होगी इसके बीच में। यहाँ पे ऊपर टॉप स्टिच लगा, ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा ली। तो जिप का एक पीस मैंने यहाँ पे लगा लिया, एक पीस मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो टॉप पे हमारी जिप आ गई। अब यहाँ पे रनर को इंसर्ट कर लीजिए, ये मैंने रनर को इंसर्ट कर लिया। अब हम इसे साइड पे रखते हैं, पहले हम स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए हम ये यूज करेंगे। यहाँ से ये बेल्ट वाला पोर्शन आपको अलग करना है इस तरीके से। ये जो हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है, इसे यहाँ से साइड साइड में से इस तरीके से कट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट वाला पोर्शन सारा अलग कर दिया, लूप्स इसमें से कट कर दिए। ये भी आप बाद में उधेड़ के इस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। बेल्ट हम बाद में ज्वाइन करेंगे। इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड किया, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगी, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम पहले इसका बेस बना लेते हैं। तो बेस बनाने के लिए साइड से इसे पकड़ना है इस तरीके से, ऐसे फ्लैट बिछाना है। फ्लैट बिछाते हुए यहां से आपको लेना है टू इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये निशान लगा लिया, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। एक सिलाई इस तरफ, सेम उसी तरीके से इस तरफ भी लगानी है। यहाँ से इसे फ्लैट बिछाना है, ये मैंने फ्लैट बिछाया। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है, ये निशान लगा लिया इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई, ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे कट कर लीजिए, कट हो गया दोनों तरफ से। रफ है जिसको पाइपिंग से फिनिश कर लीजिए, और यहाँ से बैक को सीधा कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने बैक को सीधा कर लिया। तो देखिए, इस तरीके से साइडों से जो हमने सिलाई लगाई थी, उसकी वजह से हमारा इस तरीके से बेस सा बन जाता है। तो ये हमारा बेस बन गया। अब स्ट्रैप लेनी है इस तरीके से, स्ट्रैप को लगा लेंगे। यहाँ साइड में लगानी है आपको, एक स्ट्रैप को यहाँ रखना है, यहाँ सिलाई से अटैच कर लीजिए, और यहाँ सिलाई से अटैच। ये मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाई, फिर यहाँ पे लगाई। एक स्ट्रैप को इस तरफ अटैच कर लिया, और एक स्ट्रैप को इस तरफ अटैच कर लिया। तो दोनों तरफ से मेरी स्ट्रैप अटैच हो गई, यहाँ पे हमारी जिपर आ गई। अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स का डिजाइन बनाएंगे। फ्लावर्स बनाने के लिए हम इसमें से स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसे साइड में से बराबर कर लेते हैं।
तो इसमें से निकल जाएंगे, कुछ फ्लावर्स हमारे इसमें से बन जाएंगे, कुछ फ्लावर्स हमारे यहाँ पे जो जीन्स का बचा हुआ है यहाँ से, इस तरफ से, इस तरफ से, यहाँ से भी निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो भी हमारे पास बचा है उसमें से हम फ्लावर्स बना लेंगे। 2 इंच हमें विड्थ लेनी है एक फ्लावर बनाने के लिए, और इसकी लंबाई हमें अप्रॉक्सीमेट लेनी है 10 इंच, 10 इंच के करीब हमें लंबाई लेनी है। इस तरीके से हम इसमें से स्ट्रिप्स कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से, इसी तरीके से हम सारे जीन्स में से जहां जहां से भी हमें पीसेस मिलेंगे जोड़ जोड़ के हम इसमें से स्ट्रिप्स कटिंग। स्ट्रिप्स कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसे हमें शेप देनी है। तो इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया, बराबर फोल्ड करते हुए ये देखिए फोल्ड कर लिया, और यहां से इसे ऊपर की तरफ से गोलाई में आपको कट कर लेना है। ऊपर से गोलाई में मैंने कट कर लिया, तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका हम फ्लावर बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से। तो सभी फ्लावर्स आपको इसी तरीके से बनाने हैं, यहाँ पे नॉर्मल रनिंग स्टिच करना है आपको। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक सिंपल रनिंग स्टिच कर लीजिए। ये देखिए रनिंग स्टिच करने के बाद इसे इस तरीके से मैंने खींच दिया, और इसे इसके साथ मिला दीजिए, लास्ट वाला जो लीफ है उसके साथ जॉइन करके इसे क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक छोटा सा बीड लेना है, इसे भी हम सुई धागे के साथ इसी में बीच में अटैच कर देंगे। ये मैंने अटैच कर दिया, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से आपको जितना भी कपड़े के पीसेस हमारे पास बचे हुए हैं जीन्स के, इस तरीके से फ्लावर्स बनाने हैं, और यहाँ पे फ्रंट साइड में किसी भी तरफ, किसी भी एक तरफ हम फ्लावर्स को अटैच कर, मैंने जिप खोल दी। तो इस तरीके से हम फ्लावर्स को सारा इसमें पूरे में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लावर्स को अटैच कर लेते हैं, तो साथ साथ फ्लावर्स बनाते रहिए और इसमें अटैच करते रहिए। इस तरीके से, बस इसी तरीके से फ्रंट साइड में पूरे इसमें इस तरीके से फ्लावर अटैच कर लीजिए। फ्लावर अटैच करने के बाद ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो जाएगा।